नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी की आवाज और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र सिंह। फरकाबाद जिले में सैकड़ों कृषक सेवा केंद्र खुले हुए हैं। इन केंद्रों से किसान की हर परेशानी को दूर करने का किया जा रहा है प्रयास। केंद्र के कर्मचारी को नहीं दिया गया 5 माह से वेतन, जिस कारण कर्मचारियों का परिवार पहुंचा भुखमरी की कगार पर। सभी कर्मचारी पहुंचे भूख हड़ताल पर। फरक्काबाद जिले में सैकड़ों कृषक सेवा केंद्र खोले गए हैं। उन सभी केंद्रों पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इन केंद्रों से किसानों की हर परेशानी को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उन्हीं कर्मचारियों को 5 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। कर्मचारियों का कहना है कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम सभी भूख हड़ताल करके मरे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने सभी अधिकारियों को वेतन को लेकर अवगत करा दिया है, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। सभी अधिकारियों को काम तो चाहिए लेकिन पैसा देना नहीं चाहते, इसी कारण आज हमारा परिवार आफत में आ गया है। कृषक सेवा केंद्र पर काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य क्या हैं? इन केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारी अपने अपने केंद्रों पर आने वाले किसानों को समय से खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां व खेतों में अधिक उपज कैसे की जाए, उसके लिए कृषि वैज्ञानिक को उनकी मिट्टी की समय समय पर जाँच कृषक सेवा केंद्र वाले ही कराते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को आज रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिस कारण सभी कर्मचारी कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देखना होगा कि अधिकारी क्या उन कर्मचारियों के लिए निर्णय लेते हैं, क्या है मजबूरियां। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी परेशानी बहुत है। वेतन न मिलने से स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिस मुख्य कारण समय पर फीस न जमा करना। दूसरी तरफ घर में रोजाना खर्च होने वाला राशन भी कर्जे के पैसे से मंगा रहे हैं। उन दुकानदारों ने तगादा करना भी शुरू कर दिया है। समाज में रहने वाले लोगों के सामने छोटे छोटे बहुत खर्चे होते हैं, वे भी ये कर्मचारी पूरे नहीं कर पा रहे। करे तो क्या करें, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। किसानों को दी जाने वाली खाद व बीज का पैसा भी इन्हीं कर्मचारियों को वसूलने पड़ते हैं। सुनील कुमार। अच्छा, आप किस विभाग में नौकरी कर रहे हैं? सुनील कुमार सहयोगी पद पर। कहाँ पर हैं? जानवर, ये पैसे जानवर। अच्छा, आपको तनख्वाह कब से नहीं मिली? 4 महीने हो गए, 5वां महीना लग गया। तो आपका जीवन यापन कैसे चलता है? ऐसे ही काट रहे। अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे बच्चों का भविष्य आपका सुधरेगा? हमने 2-3 बार कही है, उन्हें कर्ज माफी भी हो रहा है, मेरा कमीशन नहीं आ रहा, इन लोगों को सबको वेतन मिल रहा है बैंक में। तो आपने अपने उच्च अधिकारियों से बात की, उन्होंने क्या बताया? बात चलाई हमने कि 30 लाख रुपया कर्ज माफ हुआ है, और जो कुछ 3 लाख रुपए खाता में मेरे ट्रांसफर होगा। अच्छा, आपकी तनख्वाह मिली? 4 महीना हो गया, 5वां चल रहा, कोई वेतन नहीं मिला। अच्छा, तो आपका जीवन यापन कैसे चलता है? जीवन यापन सर बड़ी मुश्किल से कट रहा है जीवन, और बच्चों की शिक्षा में बहुत अवरोध है। क्या समस्या? स्कूल जाते हैं, स्कूल से निकाल दिए जाते हैं, और फीस नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की। आपने उच्च अधिकारियों से बात की, वेतन संबंधित क्या बताया उन्होंने? वेतन संबंधित कोई कुछ सूचना देता ही नहीं है। अधिकारी कहते हैं जब कब ऋण माफ हो जाएगा, उसको कमीशन आएगा, तब वेतन मिलेगा। अगर आपका ऋण माफ नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई इसी तरीके से चलेगी? इस तरीके से सब अंधकार में हो गया, कुछ समझ ही नहीं आता क्या होगा आगे। नहीं नहीं, ऋण माफ पे ही आपके बच्चों का भविष्य है क्या? अब कुछ नहीं आएगा तो बच्चों का भविष्य के लिए कुछ ना कुछ किया जाए।